आपको बताएं, शहरे औलिया में सजे किसान मेले का तीसरा रोज कासिमबाग स्टेडियम में सिटी न्यूज नेटवर्क एटकन और एफआरटी के जेरे एहतमाम किसान मेला। मेले के आखिरी दिन भी रौन के अरूज पर। मेले में जरई कंपनियों समेत मुख्तलिफ शोबों के बारे में स्टॉल्स लगाए गए। मजीद जानते हैं अली रियाज से। शहर औलिया मुल्तान में रंगारंग किसान मेले का आज तीसरा रोज है। सिटी न्यूज नेटवर्क एडकॉन और एफटीआर के जरिए एहतमाम कासिम बाग स्टेडियम में यहाँ पर ये मेला जो है सजाया गया है। इस मेले की खास बात यह है कि यहाँ पर जो है 100 से ज्यादा जरिए कंपनियों की जानब से स्टॉल लगाए गए, तो वहीं दूसरी जानब मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी से मुतालिक जो स्टॉल है वो भी यहाँ पर मौजूद है। मेरा कैमरा मुजाहिद सदर आपको मैं इर्द गिर्द के मनाजिर दिखाए तो यहाँ पर स्टॉल्स पर जो है गहमा गहमी जारी है। न सिर्फ किसान जो है बड़ी तादाद में मौजूद है बल्कि यहाँ पर जो आम शहरी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो स्टॉल्स के भी आपको दिखाता जाऊँगा, यहाँ पर स्टॉल्स भी विजिट करेंगे, स्टॉल्स भी देखेंगे कि वहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तफसीलात जानते हैं कि यहाँ पर जो पहला स्टॉल जो यहाँ पर लगा हुआ बिल्कुल स्टार्ट पर सन टॉप का ये स्टॉल है, और इनसे पूछेंगे कि यहाँ पर इनके पास स्टॉल में क्या खास बात है और ये काश्तकारों की रहनुमाई के लिए क्या लेकर आए हैं। तो इनसे पूछेंगे कि यहाँ पर आप क्या लेकर आए हैं यहाँ पर किसान मेले में और किस तरह से रहनुमाई कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप दोस्तों को खिराज तहसीन पेश करूँगा, 24 चैनल वालों को, रोही चैनल वालों को, जिनके तवस्सुत से ये मेला जो है वो सजाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह इस हाल के नीचे तमाम स्टेक होल्डर्स जो है वो मौजूद हैं और फार्मर जो है वो यहाँ पर विजिट कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के तलबा विजिट कर रहे हैं और उनके मसाइल के बारे में उनको आगाही जो है वो दी जा रही है। और हमारा ये स्टॉल अली अकबर ग्रुप और सनक्राफ ग्रुप के जॉइंट वेंचर से यहाँ पे लगाया गया है, और जो भी जिम्मेदार यहाँ पे आ रहे हैं और अपनी क्राफ के मसाइल हमसे डिस्कस कर रहे हैं और हम उसी के मुताबिक उनको रिकमेंडेशन जो है वो दे रहे हैं। जिम्मेदार यहाँ पर जो आ रहे हैं उनके मसाइल के मुताबिक उनको रिकमेंडेशन दी जा रही है। मजे यहाँ पर कुछ रंग रंग गेम्स भी खेली जा रही हैं किसान मेले में, क्योंकि सिर्फ स्टॉल्स ही नहीं है बल्कि यहाँ पर जो मजे के कुछ खेल हैं वो भी खेले यहाँ पर जा रहे हैं। अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर डॉट्स के जरिए खेला जा रहा है, डॉट्स हंटिंग यहाँ पर की जा रही है। तो रंगारंग मेला सजा हुआ यहाँ पर ये मुकाबले जो है जा रहे हैं, क्योंकि स्टॉल्स जो लगे हुए हैं तो स्टॉल्स में जो आम शहरी हैं उनके लिए भी इंटरटेनमेंट का सा समय है यहाँ पर, उनके लिए उनको खूब इंजॉयमेंट मुहैया करने के लिए मुख्तलिफ गेम्स भी मौजूद हैं जिसमें यहाँ पर बड़ी तादाद में जो शहरी जो है वो आ रहे हैं। जैसे कि अगर आप स्क्रीन पर भी देख सकें तो मजे की जो गेम्स है वो शहरी खेल रहे हैं और खूब इंजॉय कर रहे हैं। ये डॉट बॉल डॉट सीटिंग है जिसको खूब इंजॉय कर रहे हैं शहरी यहाँ पर, और मजे से यहाँ पर लुत्फानंदोज भी हो रहे हैं। मजीद यहाँ पर भी बात करेंगे, यहाँ पर स्टॉल्स पे जो है खासा रश है और गहमा गहमी मौजूद है। खास बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसानों के अलावा मुख्तलिफ शोबा हर जिंदगी से जो है शायरी मौजूद हैं और बड़ा इंजॉय भी कर रहे हैं। जैसे कि अभी कुछ गेम्स के लिए जा रहे थे, कुछ और यहाँ पर भी मौजूद हैं। तो चलते चलेंगे आपको इस किसान मेले के मनाजिर दिखाएंगे मस्जिद के यहाँ पर, और क्या क्या कुछ चल रहा है, गेम्स भी खेल रहे हैं, नौजवान जो है इंजॉय भी कर रहे हैं यहाँ पर, खूब महसूस हो रहे हैं। तो यहाँ पर स्टॉल्स पर भी गहमा गहमी जा रही है। स्टॉल्स का ये तीसरा रोज है और तीसरा रोज भी जो स्टॉल्स पे जो आवाम का रश है, काश्तकारों का रश है, वो कम होने में नहीं आ रहा है। क्योंकि खास बात यह है यहाँ पर 100 से ज्यादा जो यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं उसमें ना सिर्फ जो है ज़राअत बल्कि जो दीगर अहम जो शोबे हैं उनसे मुतल्लिक भी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। तो मुख्तलिफ स्टॉल्स यहाँ पर मौजूद, जैसे कि एक स्टॉल भी अब यहाँ पर मौजूद हूँ, ये स्टार सोलर के नाम से ये स्टॉल लगाया गया है। तो उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे, आप बताइएगा आप यहाँ पर किसान मेले में क्या प्रोडक्ट लेकर आए हैं और क्या देख रहे हैं यहाँ पर। है नहीं यहाँ पे वो कुछ जी, यहाँ पर जो है देख रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं यहाँ पर। अब ये जो स्टॉल यहाँ पर मौजूद हूँ, ये स्टॉल जो है स्टार सोलर के नाम से स्टॉल है यहाँ पर, जहाँ सोलर पैनल्स के जरिए जो सोलर पैनल्स हैं उसके बारे में कहती जा रहा हूँ। सोलर एनर्जी क्योंकि खास तौर पर अगर बात की जाए तो मौजूदा दौर की डिमांड है उसके हवाले से मौजूद, जो इस बात का वजह सबूत है कि यहाँ पर तमाम तो जो शोबा है जिंदगी है उससे मुतालिक मालूमात दी जा रही है। तो किसान मेले में ना सिर्फ जो जरिए कंपनी है वो मौजूद है बल्कि और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। तो यहाँ पर मैं एक और यहाँ पर स्टॉल पर मौजूद हूँ, बरकत स्टॉल फर्टिलाइजर्स हैं उनके यहाँ पर स्टॉल मौजूद हूँ। उनसे ही बात करेंगे कि इनके पास जहाँ क्या क्या चीज़ें हैं और ये फार्मर को किस तरह आगाही है जो रहनुमाई करें, तो उनसे पूछेंगे आप बताइएगा आपके स्टॉल पर क्या चीज़ें मौजूद हैं और फार्मर को किस तरह आगाही दे रही हैं। आप अस्सलाम वालेकुम सर, हमारे पास बरकत की खाद की अवेलेबल है जिसमें ना बहुत सी चार ऑपरचुनिटी है जिसमें ना बरकत जैसे खाद मुख्तलिफ वो होती है ना अवेलेबल चीज़ों के लिए होती है जिसमें ज़मीनों में खुदाई जो की जाती है जिससे फसलें उगी जाती हैं ना वो चीज़ की अवेलेबल की हुई है इसमें एपिसोड्स होती हैं खाद के लिए। तमाम तर जो मालूमात है वो दे रहे हैं खादों के वाले से, अभी इस स्टॉल में मौजूद था तो अब यहाँ पर अभी और भी यहाँ पर स्टॉल मौजूद हैं। घूमते रहूँगा मैं यहाँ पर, आपको मनाजिर दिखाएंगे यहाँ पर तमाम तर जो स्टॉल लगे हुए हैं खूब रौनक के बाल है, किसान मेले को सब लोग इंजॉय भी कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर मैं एक और स्टॉल पर मौजूद हूँ, ATC स्टॉल में, इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे आप बताएगा आपके स्टॉल की क्या खास बात है और क्या नई प्रोडक्ट लेकर आए किसान मेले में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ATC अलादीन ग्रुप ऑफ कंपनीज 1994 से पेस्टिसाइड डील कर रही हैं, एग्रोकेमिकल्स का बहुत बड़ा नाम है ये।
इस साल हम दो तीन प्रोडक्ट्स न्यू लॉन्च कर रहे हैं। हमारे पास बहुत वसी रेंज में एग्रीकल्चर में तमाम प्रॉब्लम का सलूशन मौजूद है। इस साल हम टर्बोजिन हैराजिन दो न्यू ब्रांड्स लॉन्च कर रहे हैं। इस वक्त मेज़ में फॉल आर्मी वर्म का बहुत बड़ा मसला है, उसके लिए हमने जो हैराजिन प्रोडक्ट लॉन्च किया है ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मार्केट में इसके मियार का, इसके मुकाबले का कोई प्रोडक्ट मौजूद नहीं है। फॉल आर्मी वर्म जैसा कि बता रहे हैं कि यहाँ पर तमाम तर मसाइल जो उनके हल मौजूद है, तो इन्होंने अपनी इनकी जो कंपनी है यहाँ पर वो फॉल आर्मी वर्म यानी कि मकई की फसल पर जो खासा बड़ा मसला है उसके निपटने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मजीद भी मैं एक स्टॉल पर पहुँचा हूँ। ये जो स्टॉल है, जब ज़रात की बात की जाए तो उसमें मैकेनाइजेशन जो किरदार है वो खासा अहम है। ट्रैक्टर ट्रॉली जो खासी अहमियत के हामिल होते हैं, तो यहाँ पर आज मौजूद मिल्लर ट्रैक्टर्स के स्टॉल पर यहाँ पर मौजूद हूँ, तो उनसे भी पूछेंगे क्योंकि जहाँ पर ज़रात की बात की जाए तो ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो ऐसी दो कंपोनेंट्स है, हल जो है जिसको हम नहीं पीछे छोड़ रहे। तो मिल्लत के यहाँ पर काउंटर मौजूद है, आप बताएगा किसान मेले में आप क्या लेकर आए और किस तरह से काश्तकार की रहनुमाई कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। पहले तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक स्टार्टअप लिया है न्यूज़ चैनल वालों ने, इससे किसान को बड़ी रहनुमाई मिल रही है। मिल्लत ट्रैक्टर ने अपनी रिवायत को बरकरार रखा है और किसान की रहनुमाई के लिए इसमें भरपूर पार्टिसिपेट किया है। अपने प्रोडक्ट को यहाँ वेजा करके उसकी माशाल्लाह किसान को हम गाइड कर रहे हैं और माशाल्लाह जिस तरह आप देख रहे हैं कि हमारा 360 ये लेटेस्ट मॉडल है, इसमें फ्यूल एफिशिएंट टेक्नोलॉजी को हमने इंट्रोड्यूस कराया हुआ है। बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस आ रहा है जी, रिस्पांस खासा अच्छा आ रहा है। अब इसकी प्रोडक्ट आपको दिखाते चले, यहाँ पर जो लगा हुआ है वो 360 टर्बो के नाम से जो मिल्लत का नया ट्रैक्टर है वो यहाँ पर मौजूद है, जो कि यहाँ पर काश्तकारों को यहाँ पर दिखाया जा रहा है, रहनुमाई की जा रही है, उनको बताया जा रहा है कि काश्तकार जो है किस तरह से जो है अपनी बेहतर पैदावार हासिल कर रहे हैं। बेहतर पैदावार तभी मुमकिन होगी जब उनकी एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन खासतौर पर जो उनकी हल और जो ट्रैक्टर्स हैं वो जो चल रहे होंगे। तो मजीद स्टॉल भी मौजूद हैं, मजीद स्टॉल भी चलेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर न सिर्फ ज़राअत बल्कि दीगर शोबा ज़िंदगी से जो ताल्लुक रखने वाले जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं उनके भी स्टॉल मौजूद। तो अब जो एक स्टॉल पर मौजूद हूँ ये जो है सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का स्टॉल है, खासा इंटरेस्टिंग है, तो उनसे पूछेंगे, उनसे जानेंगे कि उनकी प्रोडक्ट क्या है और ये क्या ले। आप बताइएगा, आपने स्टॉल लगाया हुआ है, आपकी बाइक की खास बात क्या है और इसकी कीमत कितनी है? खाइस ये कि ये इलेक्ट्रिक है, हमारा सोलर का काम था अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें भी हमने एक नाम कमाया और हम अभी चाह रहे थे कि इलेक्ट्रिक बाइक में भी हम अपना रोल अदा करें। ये टोटल इलेक्ट्रिक है, 100-120 किलोमीटर चलती है एक चार्जिंग में सिर्फ 1.5 यूनिट खर्च होता है, तो 30 से 40 रुपये खर्चा आता है। इसकी कीमत कितनी है बताइए? इसकी कीमत जेल बैटरी में 1,65,000 है और लिथियम बैटरी में 2,20,000 है। लिथियम बैटरी 8 से 10 साल लाइफ है और जेल की 2 से 3 साल लाइफ, 8 से 10 साल लाइफ है। मुजस्सुदा मेरा कैमरा अगर आपको दिखाया इस बाइक के बारे में कि जो स्कूटी है तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाई गई है किसान मेले में, जिससे न सिर्फ काश्तकार जो फायदेमंद हासिल होंगे फायदा करेंगे इसे, बल्कि अगर इसकी कीमत बात की जाए तो 1 से 1.5 लाख में ये मिल सकती है। और ये बाइक जो है स्कूटी जो है काफी कमाल है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि मौजूदा जो वक्त है उसके एतबार से आजकल के ज़माने में पेट्रोल की कीमतें जहाँ पर खासी इजाफा हो रहा है, तो पेट्रोल के साथ साथ अगर इसकी बात की जाए तो इसका वेट भी खासा जो है ज़्यादा नहीं और फ्रेंडली है, तो चलने में भी बेहतर है। इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये मौजूदा दौर और आने वाले दौर का यही एक राज है कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो इसी के पेश नज़र पेट्रोल के साथ साथ सोलर एनर्जी जो कि सेफ एनर्जी है उसमें भी जो है खासा फ़ायदा पहुँचेगा। और अगर हम देखें इसकी अगर सवारी करें हम आपको, तो सवारी हम इसको हम करके आपको दिखाएंगे इसकी सवारी कैसी है। तो सवारी चलने में पहले इसको देखते हैं, इसको स्टार्ट कीजिएगा। ये सोलर गाड़ी है जो यहाँ पर किसान मेले में जो है मुतारिफ करवाई गई है और ये बिल्कुल सेफ है। और इसकी सबसे खास बात ये है कि ये जो है सोलर एनर्जी से चलती है और बैक गियर के साथ साथ इसका फ्रंट गियर भी है, चलने में खासी ज़बरदस्त है। और सबसे अहम जो चीज़ इसकी ये है कि ये क्योंकि सोलर एनर्जी है तो इसलिए खासी बेहतर है काश्तकारों के लिए, साथ साथ जो शहरी जो हैं वो इससे खासा जो यहाँ पर आकर किसान मेले में इसको खरीद सकते हैं और इससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। जैसा कि ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मौजूदा दौर में और आने वाले दिनों में जो सोलर एनर्जी है वो खासी अहमियत की हामिल होगी और इस एतबार से ये जो है खास अहमियत की हामिल है कि आइंदा दिनों में सोलर एनर्जी से बेहतर जो सोर्स ऑफ एनर्जी वो नहीं होगा, क्योंकि अब आने वाले दिनों में पेट्रोल की बचत भी है और खासतौर पर पोल्यूशन की से बात की जाए तो पोल्यूशन के छुटकारे के लिए सिर्फ उससे सबसे बेहतरीन हल यही है कि सेफ एनर्जी की तरफ जाया जाए, क्योंकि सेफ एनर्जी तभी मुमकिन है जब हमारा माहौल जो है वो साफ रहे। तो कुछ और यहाँ पर स्टॉल भी मौजूद है, पंजाब स्टेट कॉर्पोरेशन का स्टॉल भी यहाँ पर मौजूद है, उनके भी जाने से यहाँ से स्टॉल लगाया कि उनसे भी पूछेंगे, उनसे जानेंगे कि वो यहाँ पर स्टॉल लगाया हुआ है इसमें कितने सीट्स है क्या है। तो बताइएगा पंजाब स्टेट कॉर्पोरेशन की तरफ से क्या चीज़ें चल रही हैं।
पंजाब सीड कॉर्पोरेशन जो है वो किसानों के लिए मुनासिब कीमत पर एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बीज तैयार करता है, क्योंकि किसी भी फसल की अच्छी पैदावार के लिए सबसे जो पहली शर्त होती है वो ये होती है कि ज़मीन के हिसाब से फसल का सबसे अच्छा बीज जो है वो तैयार होना चाहिए। तो हम इस चीज़ को यकीनी बनाते हैं कि जो हम बीज दे रहे हैं तो उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। सेकेंड नंबर पर हमारी जो एक कोशिश होती है कि हमारा जो सीड की कीमत होती है वो मार्केट के हिसाब से बहुत मुनासिब हो, तो किसानों को हमारे महकमे का यही फायदा है कि उन्हें मुनासिब कीमत पर बहुत अच्छी क्वालिटी का सीड दस्तियाब होता है। मुनासिब कीमत पर बहुत अच्छी क्वालिटी का सीड मिले। अगर सीड अगर आपको दिखाया जाए यहाँ पर, तो मुख्तलिफ सीड्स यहाँ पर मौजूद है, शुगर केन के सीड मौजूद हैं, और देखिए जो तमाम तरह चावल धान के सीड यहाँ पर मौजूद हैं जिसके बताया जा रहा है। और इस तमाम तर एग्जीबिशन का यहाँ पर ये पंजाब सीड कॉर्पोरेशन जानब से जो स्टॉल लगाया गया, इसका मकसद ये है कि यहाँ पर जो आने वाले फार्मर हैं उनको मुकम्मल तौर पर रहनुमाई और आगाही फराम की जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं नाजरीन भी, कि यहाँ पर ना सिर्फ जो है काश्तकारों के लिए रहनुमाई है बल्कि आम शहरों के लिए बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स है जो यहाँ पर आकर देख सकते हैं, उसे महसूस हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं भी एक और स्टॉल पर भी देख रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, चल रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो यहाँ पर पावर का ग्रुप मौजूद है, पावर ग्रुप, उनसे पूछते हैं आप यहाँ पर किसान मेले में क्या चीज़ लेकर आए, क्या इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, कैसे हैं? ठीक है, हम पावर क्रॉप साइंसेज पावर ग्रुप से एक नाम से हम लोग 12 साल 13 साल हमें हो गए, हम 2010 से हमने इसका स्टार्ट लिया था पावर क्रॉप साइंसेज का। तो अभी हम ऑफर कर रहे हैं पंजाब और केपीके के अंदर 200+ प्रोडक्ट्स हैं हमारे, ये आप यहाँ पे भी देखें हमारी मुकम्मल जो से प्रोडक्ट्स की रेंज है वो इसमें मौजूद है। इसमें 200+ प्रोडक्ट्स हैं, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हैं और फंजीसाइड्स और टोटल एग्रो केमिकल जितने भी जो से हैं हम उसको ऑफर करते हैं, ऑफर करते हैं, क्योंकि किसी भी फसल के लिए ज़मीन की जो सेहत है वो खासी जो अहमियत की हमले होती है। सिलसिले में यहाँ पर पावर की जानते जो लगाया गया स्टॉल, उसमें बता रहे हैं किस तरह से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और जो ज़मीन में मौजूद जो नामियाती मादे हैं उनको जो है अगर ज़्यादा होंगे तो पैदावार बेहतर रहेंगे। तो और यहाँ पर भी देखेंगे स्टॉल यहाँ पर लगाए हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूशन है उनकी जानब से यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं। तो रंगारंग स्टॉल भी यहाँ पर लगे हुए हैं जिसमें न सिर्फ काश्तकार आ रहे हैं बल्कि जो शहरी हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है और खूब इंजॉय कर रहे हैं, इस किसान मेले को महसूस हो रहे हैं और चीज़ों को देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक छत तले काश्तकारों से लेकर आम शहरों की रहनुमाई के तमाम तो चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो बहुत ज़िक्रिया का यहाँ पर शॉल है, उनसे पूछते हैं बहुत ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से, क्योंकि रिसर्च जो है वो इदारे जो तहकीकती इदारे हैं उसके साथ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका खासा चोले दामन का साथ होता है रिसर्च डेवलपमेंट में। तो आप बताइए कि आपके आज बहुत जिक्र के शॉल में क्या क्या चीज़ें हैं, खास चीज़ें? अस्सलाम वालेकुम, मैं बेस रेडियो मुल्तान का स्टूडेंट हूँ बेसिकली, और ये हमारा रिसर्च सेंटर है मैम अदरा की और डॉक्टर नाजम हुसैन की सरबराही में ये चल रहा है। हम बेसिकली ये मोरिंगा जिसे हम सुहांजना भी अपने ज़बान में बोलते हैं उसके एक्सट्रैक्ट से हमने ये प्रोडक्ट बनाया है। तो ये बेसिकली इन तमाम इसमें हो गया सीड ट्रीटमेंट में के लिए यूज़ होता है, और अब हमने बाकायदा तौर पर इसका प्लांट भी अपनी यूनिवर्सिटी में लगाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और दूसरा हेक्सान कंपनी के साथ हमने इसका कॉन्ट्रैक्ट किया है, और जो भी मतलब इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं किसान हजरात, बेसिकली हमारा मकसद तो होता है किसानों की रहनुमाई करना और उन्हें ही फ़ायदा पहुंचाना, बेसिकली हमारी स्टडी का। अभी तक तो हम स्टूडेंट हैं लेकिन हम में वो जज्बा होता है कि किसान को उनकी तमाम किसान को फ़ायदा पहुँचाएं। कैमरा में जैसा आपको दिखाया गया यहाँ पर जिसको हम मकामी जुबान में मुरिंगा यानी कि सुहांजना कहें, सुहांजना जिसको हम बतौर सब्जी इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी हिफाजत के मुताबिक यहाँ पर बीजेड की जानकर स्टॉल है जिसमें बता रहे हैं कि मुरिंगा एक्सट्रैक्ट जो है जो सुहांजने के जरिए से उसका अर्थ जो हासिल होता है उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। न सिर्फ उससे ज़मीन की सेहत बेहतर रहती है बल्कि उसके इस्तेमाल करने से मुख्तलिफ फसलों पर, जैसे कि पिछले साल IPM प्लान जो हुकूमत पंजाब की जानब से दिया गया था इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्लान, उसमें खासतौर पर जो मुरिंगा का फैक्टर था वो खासा अहमियत का हमल था, जिसमें वो मुरिंगा का स्प्रे कर दिया जाता था कोट टुबे और तंबाकू के साथ साथ, जिसको कहते थे कि स्प्रे जो है केमिकल स्प्रे से कम जो है उसको किया जाए, तो उसमें ये जो मुरिंगा एक्सट्रैक्ट खासा अहम किरदार अदा करता है। तो इस तरह के जो दिलचस्प और जो नए नए आइडियाज़ हैं वो भी यहाँ पर किसान मेले में दस्तियाब है, जिससे जो है न सिर्फ जो शोबा ज़रात है उसको फ़रोग मिलेगा बल्कि जो काश्तकारों के जो असल मसाइल हैं उनका भी हल यहाँ पर उनको जो है मिलेगा। तो इस किसान मेले की खास बात ये है, इस मेले का मकसद भी यही है कि न सिर्फ मेला बल्कि मेले के अंदर काश्तकारों को जो बताया जाए कि किस तरह से जो जदीद दौर के तकाजे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी है, उसको किस तरह से अडॉप्ट करें, उसको समझें, और जो जदीद दौर के साथ साथ जो नए नए मसाइल जन्म ले रहे हैं, कपास की फसल हो, मकई की फसल हो, चावल की फसल हो, तो वो तमाम तरह यहाँ पर उन स्टेक होल्डर्स मौजूद है जो काश्तकारों को बता रहे हैं कि किस तरह से अपनी फसल को बेहतर करें, पैदावार को बेहतर करें और अपने शोबा ज़रात को तरक्की देते हुए मुल्क और कौम की तरक्की में अहम किरदार अदा करें। जी
आपको अपडेट कर रहे हैं कि शहर औलिया में सजे किसान मेले का तीसरा रोज कासिम बाग स्टेडियम में सिटी न्यूज नेटवर्क एडकॉन और एफआरटी के जरिए तमाम किसान मेला मेले के आखिरी दिन भी रौनक के अरूज पर। आपको बताएं मेले में जरई कंपनियों समेत मुख्तलिफ शोबों के बारे में भी स्टॉल्स लगाए गए हैं। आपको अपडेट करें शहर औलिया में सजे किसान मेले का तीसरा रोज कासिम बाग स्टेडियम में सिटी न्यूज नेटवर्क एडकॉन और एफआरटी के जरिए इंतजाम किसान मेला सजाया गया। मुल्तान मेले के आखिरी दिन भी रौनक के अरूज पर और मेले में जरई कंपनियों समेत मुख्तलिफ शोबों के बारे में भी स्टॉल्स लगाए गए हैं। 100 से जायद स्टॉल्स किसानों समेत शहरियों की तवज्जो का मरकज है। मेले के आखिरी रोज आम के मौजू पर जरई कॉन्फ्रेंस और इख्तितामी तकरीब होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि शहर औलिया में सजे किसान मेले का तीसरा रोज कासिम बाग स्टेडियम में सिटी न्यूज नेटवर्क एडकॉन और एफआरटी के जरिए इंतजाम किसान मेला और मुल्तान में मेले के आखिरी दिन भी रौनक के अरूज पर। अब आपको बताएं हम संगी किसान के ये हीरे मोती पाकिस्तान के शहर औलिया की धरती पर सजा किसान का सबसे बड़ा और रंगारंग तीन रोजा किसान मेला आज आखिरी रोज मुल्की और गैर मुल्की नामवर कंपनियों के कसीर तादाद में स्टॉल्स मौजूद हैं। मजीद जानते हैं हसन मलिक से। हम संगी किसान के ये हीरे मोती पाकिस्तान के किला कोना कासिम बाग में सजा तीन रोजा किसान मेला जिसका आज आखिरी रोज है और यहाँ पर मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों ने बड़ी तादाद में स्टॉल्स लगाए हुए हैं। बड़ी तादाद में किसानों के साथ साथ शहरियों ने भी यहाँ पर विजिट किया है, अपनी ज़मीनों के मुतालिक, मशीनरी के मुतालिक, खाद के मुतालिक और तमाम फसल के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसके मुतालिक यहाँ पर तमाम किस्म के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। बताया जा रहा है हम इस वक्त एक स्टॉल पर मौजूद हैं, उनसे ही जानते हैं कि इन्होंने किस चीज़ का स्टॉल लगाया हुआ है, क्या स्पेसिफिकेशन है। कैसे हैं अंकल, खैरियत से हैं? आपका किस चीज़ का स्टॉल है, आपकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं और ज़रा तफसील से बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। ये क्रीको प्राइवेट लिमिटेड है जो कि गैसीफायर्स बनाती है। वुड बायोमैस गैसीफायर एक ऐसी मशीन है जो पिछले 200 साल से दुनिया में चलती है लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली प्रॉपरली इंट्रोड्यूस नहीं हो सकी है। इसमें आप बायोमैस, कोई भी बायोमैस जैसे कॉटन स्टिक है, जैसे आपकी वुड शेविंग्स है, वुड चिप्स है, वुड वेस्ट है, घास है या पराली है या केले का वेस्ट है, खजूर का वेस्ट है, कुछ भी इस मशीन में डालें और आपको ये गैस बना देती है। इसकी इस गैस का नाम है सिंथेटिक गैस, सिन गैस। अब सिन गैस जो है वो आगे आपकी पीटर इंजन चलाती है, जनरेटर चलाती है, आपका ट्रैक्टर चलाती है, थ्रेशर चलाती है, हार्वेस्टर चलाती है, टोका मशीन चलाती है। किसान की हर किस्म की डीजल पेट्रोल की जो जरूरत है वो ये एक मशीन पूरा करती है। ये अंकल हम इस तरह से कह सकते हैं कि आज के दौर में जिस तरह से किसानों के पास तमाम चीज़ें तो मौजूद होती हैं, ट्रैक्टर भी मौजूद होता है, ड्राइवर भी मौजूद होता है, लेकिन उसके पास डीजल के लिए और पेट्रोल के लिए पैसे नहीं होते, तो ये आपकी मशीन जो है ये उसके लिए काफ़ी बेहतर है। ऐसे जी बिल्कुल ऐसा ही है कि आपके जो रनिंग कास्ट है किसी भी किसान की या कौम की, फैक्ट्री की या किसी इंडस्ट्री की, वो बेसिकली फ्यूल है और फ्यूल क्राइसिस, हम पूरा पाकिस्तान फ्यूल क्राइसिस से गुजर रहा है और हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज ना होने की वजह से या एक्सपेंसिव फ्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है, वो सारा फ्यूल पाकिस्तान खुद बना सकता है। पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर, ये तीन चीज़ें ये एक मशीन ज़रूरत पूरी करती है। इसी मशीन के जरिए नाइट्रोजन बनती है, इसी से अमोनिया बनता है, इसी से गैस बनती है, इसी से पेट्रोल बनता है, इसी से डीजल बनता है। यानी ये रूट मशीन है, ये बेस मशीन है जो सिंथेटिक गैस बनाती है और आप अपनी सारी मशीनरी से चला सकते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप ये सारा जितना वेस्ट है ये सारा हमारे किसान के पास मौजूद है, वो साल में फेंकता है या उससे जान छुड़ाता है। कार्टन स्टिक, केले का वेस्ट, खजूर का वेस्ट कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा और इसको आप अपनी मशीन में डालें, गैस बनाएं, पीटर इंजन चलाएं और अपनी फ्री एनर्जी खुद बनाएं। ये एक ऐसी मशीन है जिससे इंसान खुद ही एनर्जी बना सकता है और फ्यूल कंजम्पशन जो है वो जिस तरह से काफ़ी कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकता है। ये एक स्टॉल्स था, मेरे साथ और भी स्टॉल यहाँ पर मौजूद है, बिजनेस एग्रीकल्चर के रिलेटेड ये स्टॉल है। कैसे हैं नाब, खैरियत से हैं? किस चीज़ का स्टॉल लगाया हुआ है आपने और आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्या अहमियत है?
हमने सर फर्टिलाइजर के रिलेटेड लगाया हुआ है स्टॉल, 5-स्टार एग्रो फर्टिलाइजर हमारी कंपनी का नाम है, लाहौर से है हमारी। हमारे पास फर्टिलाइजर के रिलेटेड हैं कुछ चंद प्रोडक्ट्स, हमारे पास एनपीके 2020 है, उसके बाद हमारे पास एनपीके 5-15-45 है, नाइट्रो पोटाश है 12-0-45, और इसके अलावा हमारे पास और भी काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी सारे हमारे पास है, एसओपी वगैरह है, यूरिया फास्फेट है, उसके अलावा और हमारे पास प्रोडक्ट हैं जिनमें हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी है, एनपीके 2020 और 5-15-45, 12-0-45, ये हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, हम खुद ये बनाते हैं और इसके माशाल्लाह बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं, ये हर किस्म की क्रॉप के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी ये आप अपनी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड कोई एक दो अहमियत बताइएगा कि ये प्रोडक्ट्स किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं? हमारे सर ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये तमाम क्रॉप्स के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें है कि फसल के ऊपर स्ट्रेस आ जाता है, फसल आपकी जिस हिसाब से बढ़नी चाहिए आपकी फसल उस हिसाब से नहीं बढ़ रही, तो आप इसका स्प्रे करवा सकते हैं उसके ऊपर, और उसके अलावा ये उसमें फ्लड में भी इस्तेमाल हो सकता है, आपकी जितनी भी क्रॉप्स हैं सबके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसको। ये यहाँ पर भी एक हमारे साथ स्टॉल मालिक मौजूद थे, उनका कहना था कि जितने भी यहाँ पर हमारी प्रोडक्ट्स हैं उनका मेन मकसद ये है कि जितने भी लोगों की फसलें मौजूद हैं उनका अगर कोई कम हो जाता है सिलसिला या उनके पास कोई कमी हो जाती है किसी चीज़ की, तो हमारी प्रोडक्ट्स एक वाहिद प्रोडक्ट हैं जिसके थ्रू आप अपनी पैदावार भी बढ़ा सकते हैं, उनका साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। और जो हम जिस पहले स्टॉल पर मौजूद थे उन स्टॉल मालकान का कहना था कि जितने भी आपका वेस्ट होता है उसके थ्रू आप लोग एनर्जी बढ़ा सकते हैं, बना सकते हैं, और किसान जितने भी हैं वो इस तरह के इवेंट से काफ़ी ज़्यादा खुश भी नज़र आ रहे हैं, मुतमईन भी नज़र आ रहे हैं, और स्टॉल मालकान जो हैं उनकी जानिब से भी ये बड़ा सराहा जा रहा है कि इस तरह के किसान मेले मुनाकिद करना आइंदा है। जी हसन मलिक, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं, कपास का मुकर्रा हदफ हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जेर सदारत आला सतही इजलास, इजलास में कपास की बुवाई के हवाले से पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी की कपास की बुवाई और पैदावार का टारगेट हर सूरत हासिल करने की हिदायत। कपास की ज्यादा पैदावार हासिल करने वाले काश्तकारों को नकद इनामात दिए जाएंगे। निगरान वजीर आला ने कहा कि कपास की बुवाई का हदफ हासिल करने पर मुतालिका अमले की भी हौसला अफजाई की जाएगी। कपास की बुवाई का टारगेट हासिल करना है, फसल की मुकम्मल देखभाल भी जरूरी है। निगरान वजीर आला पंजाब का सुबह भर में पानी चोरी के वाकयात की रोकथाम का हुक्म। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की कपास की फसल के लिए दरकार पानी की फराहमी की यकीन दहानी। कपास के काश्तकारों को पानी, बीज, खाद समेत किसी चीज की कमी नहीं आने दी जाएगी। फैसला जाली अद्वियात और बीज फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई मजीद मौसर बनाने की हिदायत। इजलास में सेटेलाइट के जरिए क्रॉप सर्वे की तजवीज। कपास की कम अज कम इमदादी कीमत 8500 रुपये मुकर्रर की गई है। पंजाब में कपास की बवाई का हदफ हासिल करना हमारा मिशन है। कपास की फसल सूबे और काश्तकार के लिए मौशी गेम चैलेंजेस साबित हो सकती है। मारूफ सनतकार ग्रुप लीडर एप्टा गोहर एजाज की इजलास में गुफ्तगु, उनका कहना था, आपको अपडेट करते चलें कि निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की कपास की फसल के लिए दरकार पानी की फराहमी की यकीन दहानी। कपास के काश्तकारों को पानी, बीज, खाद समेत किसी चीज की कमी नहीं आने दी जाएगी। फैसला जाली अद्वियात और बीज फरोख्त करने वालों के खिलाफ मजीद मौसर बनाने की हिदायत है। आने वाले में खुद साख्ता महंगाई का राज, दुकानदार इशियाए खुरोनोश की मनमाने रेट वसूल करने लगे। शहरी परेशान, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट गायब। मजीद इस बारे में शहरी का क्या कहना है, जानते हैं मोहम्मद नदीम मुगल से। आने वाले और गिरता नवाब में खुद साख्ता महंगाई की बात की जाए तो शहरियों का ये कहना है खुद साख्ता महंगाई के बायस भी शहरियों को मुश्किल का सामना है। एक जानी तो महंगाई है, लेकिन अच्छे खुर्दनोश की कीमतों की बात की जाए तो हर दुकानदार के पास अपनी एक नई कीमत होती है, जिससे शहरी ये कहते हैं कि वो खासे परेशान दिखाई देते हैं। मजीद हम बात करेंगे, शहरी हमारे से मौजूद हैं, क्या कहेंगे? एक तो महंगाई है, दूसरा खुद साख्ता महंगाई भी है, दुकानदारों की कीमतें, हर दुकानदार की अपनी कीमत है चीज़ की, हर दुकान की अपनी कीमत है, और किसी का कोई एक कहने है यार एक रेट पे दे, वो उसका रेट अलग है, उसका अलग है, ये कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ को पूछने वाला हो तो ये काम ऐसे ना हो, किसी का रेट 5 रुपये है, किसी का रेट 10 रुपये है, ये एक नहीं है।
क्या गवर्नमेंट एक कीमत नहीं है, खुद साख्ता महंगाई ज्यादा है और जिला इंतजामिया और उसके अफसरान क्या मार्केट में चेक कर रहे हैं? ऐसा मजीद जानेंगे हम शहरी से, क्या कहेंगे कि खासतौर पर महंगाई तो है लेकिन खुद साख्ता महंगाई भी आप देख रहे हैं? महंगाई से आवाम बहुत परेशान है जी, और हर दुकानदार का अपना ही रेट है। मोहल्ले में 20 रुपए महंगी है, मार्केट में आओ तो 20 रुपए सस्ती है, कहीं महंगी है कहीं सस्ती है, कोई हर आदमी परेशान है जी। परेशान है, दुकानदार से बात कर रहे थे, क्या कहेंगे कि ज़िला इंतजामिया के जो अफसरान हैं और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं वो दुकानदारों को चेक करते हैं, नहीं चेक करते हैं और ख़ुद साख्ता महंगाई क्यों है? मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि हुकूमत से अपील है महंगाई पर कंट्रोल करें, इलेक्शन करवाए, इंसाफ पर जो इंसाफ पर इलेक्शन हो और अपना क्या नाम पूरे पाकिस्तान में ज़रा तवज्जो दे, हर जगह पर तवज्जो दे। बिल्कुल, शहरियों का ये कहना है कि खुद साख्ता महंगाई के बायस महंगाई मजीद बढ़ी है, दूसरी जानब जिला इंतजामिया के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हों या अफसरान हों उनकी जानब से मार्केट में बिल्कुल चेकिंग नहीं की जा रही, जिसके बायस जो है हर दुकानदार की अशिया खुद रोशी कीमतें। नदीम मुगल अपडेट के लिए शुक्रिया। अब आपको बताएं खानपुर में LPG गैस की गैर कानूनी फिलिंग का सिलसिला जारी है, इंतजामिया खबे खरगोश के मजे लेने में मसरूफ, LPG के सैकड़ों गैर कानूनी पॉइंट्स मौत की दावत देने लगे। चंद रोज कबल गैस रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर फटने से नौजवान जा बहक हो गया, शहरियों का असिस्टेंट कमिश्नर से नोटिस लेने का मुतालबा। आपको अपडेट करते चले, खानपुर में LPG गैस की गैर कानूनी फिलिंग का सिलसिला जारी, इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ, LPG के सैकड़ों गैर कानूनी पॉइंट्स मौत की दावत देने लगे। चंद रोज कबल गैस रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर फटने से नौजवान जा बहक, शहरियों का असिस्टेंट कमिश्नर से नोटिस लेने का मुतालबा। अब आपको बताएं चुबारा में इंसानी जान बचाने वाली अद्वियात महंगी होने के साथ नायाब हो गई, अद्वियात की कीमतों में 14 से 20% तक इजाफा, इंसुलिन, टेग्राल और टेरल समेत दीगर अद्वियात मार्केट से गायब हैं। आपको अपडेट करते चले, चुबारा में इंसानी जान बचाने वाली अद्वियात महंगी होने के साथ नायाब हो गई, अद्वियात की कीमतों में 14 से 20% तक इजाफा, इंसुलिन और टेग्राल समेत दीगर अद्वियात मार्केट से गायब। खबर शामिल करें बहावलपुर से, बहावलपुर गला मंडी के ताजरों ने गंदम बहरान के हवाले से खबरदार कर दिया, गला मंडी ताजरों का कहना है कि सरकार फरोख्त करने के लिए भी गंदम नखी खरीदने दे रही, महंगी गंदम लेकर महंगी फरोख्त कर रहे हैं, मुस्तकबिल में गंदम और आटा महंगा होने का इंदिया है। आपको अपडेट करते चलें, बहावलपुर गला मंडी के ताजरों ने गंदम बहरान के हवाले से खबरदार कर दिया, गला मंडी ताजरों का कहना है कि सरकार फरोख्त करने के लिए भी गंदम नहीं खरीदने दे रही, महंगी गंदम लेकर महंगी फरोख्त कर रहे हैं, मुस्तकबिल में गंदम और आटा महंगा होने का इंदिया है। अब आपको बताएं मुल्तान में कार्डियोलॉजी अस्पताल का तोसी मंसूबा ताहाल मुकम्मल ना हो सका, सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ जनूबी पंजाब राणा मोहम्मद अफजल नासिर खान की रोही से गुफ्तगू, उनका क्या कहना है जानते हैं वसीम शहजाद से। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बात करते चले मुल्तान के दौरे की तो कार्डियोलॉजी का दौरा भी किया था, 2018 में मुकम्मल होने वाला प्रोजेक्ट जो है वो ताहाल किस सूरत हाल के ऊपर जो है वो खड़ा है, इस पर बात करने के लिए सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ जनूबी पंजाब राणा मोहम्मद अफजल खान मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे आप इस हवाले से, ये मनसूबा 2018 में मुकम्मल होना था, 5 साल ये मनसूबा जो है वो लेट हो चुका है, कार्डियोलॉजी की तोसी है, अब मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बेड्स के ऊपर मौजूद हैं, बरामदों में मौजूद हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से, अब तक कितना काम हो चुका, कब मुकम्मल किया जाए? ये काम बड़ी तेज़ रफ्तारी से जारी है, जैसा कि आपको मालूम है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने भी यहाँ विज़िट किया है और वो भी ये काम की रफ्तार से खासे मुतमिन रहे हैं, और दरमियान में हमें पहले जो कॉन्ट्रैक्टर था उसको ब्लैक लिस्ट करना पड़ा, जिसकी वजह से वो रीटेंडर करना, रीहायरिंग करना, वो टाइम लगना एक कुदरती बात थी। तो चीफ मिनिस्टर साहब भी इससे खासे कम्फर्टेबल गए हैं और हम भी उनकी डायरेक्शन में उसका जो जेस्टेशन पीरियड है उसके अंदर अंदर इंशाल्लाह इसको कंप्लीट कर देंगे और ये फाल हो जाएगा। ऐसे ये बताइए कितना बहुत जो है कार्डियोलॉजी पे कम हो रहा होगा, क्योंकि डीजी खान में देखे हैं बाकी जगह पे वो प्रोजेक्ट बनकर कंप्लीट हो गए हैं कार्डियोलॉजी के, मुल्तान में ये मंसूबा थोड़ा सा लटका रहा, कितना बहुत इससे कम हो रहा होगा और जनूबी पंजाब के लोग किस हद तक फायदा दे? हमारे जो बाकी आप प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो हमारे डीजी खान में OPD फाल हो चुकी है, उसमें डेली हमारी टेस्ट हो रहे हैं, ETD हो रही है, एंजियोग्राफी हो रही है, पेशेंट्स को फ्री मेडिसिन मिल रही हैं, और बाकी हमारा एक और प्रोजेक्ट है कार्डियोलॉजी का जो UAE के कोऑपरेशन से बन रहा है और 3.8 की बिलियन की वो लागत से,
वो स्टेट ऑफ आर्ट है बिल्कुल, और वो यकम जुलाई को वो ऑपरेशनल हो जाएगा 5 माह की कलील मुद्दत में। और जो एक्सपेंशन है कार्डियोलॉजी की, इससे सर्टनली बोझ भी कम होगा, क्वालिटी ऑफ पेशेंट की चेकिंग की भी बढ़ेगी और डॉक्टर्स भी तैनात किए जाएंगे और इसमें यकीनन बोझ कम होगा उसमें। बिल्कुल, इस वक्त हमारे हमरा सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ मौजूद थे, जिनका एक सवाल से ये कहना है कि जनूबी पंजाब के अंदर खसूसी तौर पर सेहत की जो सहूलियात हैं उनको बेहतर करने के लिए हेल्थ सेक्रेटरीट अपना किरदार जो है अब वो अदा कर रहा है। जी शुक्रिया वसीम शहजाद आपका अपडेट करने के लिए। खबर शामिल करें जामपुर से। जामपुर शहर में तजावजात ने पंजे गाड़ लिए। ट्रैफिक चौक से डेरा चुंगी तक कब्जा माफिया का राज। टीएचके अस्पताल की दीवार के साथ गैरकानूनी कार स्टैंड बना दिया गया और मरकजी ईदगाह और अस्पताल चौक पर घंटों ट्रैफिक जाम रहना मामूल। इस पर बात करते हैं जावेद इकबाल से। अगर जामपुर में तजावजात के हवाले से बात करें तो डेरा ट्रैफिक चौक से लेकर डेरा चुंगी तक जो है तजावजात के भरमारे लोगों ने गैर कानूनी तौर पर मोटरसाइकिल स्टैंड कायम कर रखे हैं। इस हवाले से म्यूनसिपल कमेटी की जानब से किसी किस्म के कोई इकदाम सामने नजर नहीं आ रहे, ना ही ऑपरेशन कह रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बार एसोसिएशन के सदर मियाँ अहमद बोदला मजीद अमून। सर, तजावजात के हवाले से पूरा जामपुर इस वक्त मुश्किल का शिकार है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। बहुत बड़ा इशू है जो आपने आज उठाया हुआ है। ये इतना अफसोसनाक मैं कह रहा हूँ कि ट्रैफिक चौक से लेकर बंदा यहाँ पैदल चलने से भी कासिर है, और मेडिकल स्टोर्स, ख़ास तौर पे जो हमारा हॉस्पिटल है टीएचक्यू, इसके आगे रक्षे का स्टैंड बना हुआ है, जो मरीज़ भी बड़ी मुश्किल से एमरजेंसी में जाते हैं। मेरी हुकाम बाला से गुजारिश है कि जितनी जल्दी हो सके ये जो तजावजात हैं इनका खात्मा यकीनी बनाया जा सके, ताकि जामपुर और उसके गिरद नवा के शहरियों को कोई फ़ायदा मिल सके, उनकी मुश्किलात कम हो सकें, वो हॉस्पिटल बआसानी से आया जा सके। जी बिल्कुल, इस वक्त आपने सदर बार एसोसिएशन में मोहम्मद अहमद बोदला से सुना, उनका कहना है कि तजावजात ने शहरों को मुश्किलात में घेर रखा है। उन्होंने मैं आपको यह भी बताता चलूँ कि टीएच को अस्पताल के बिल्कुल सामने जो है गैर कानूनी तौर पर कार स्टैंड बना दिया गया, इसके साथ साथ वहाँ पर रेडी बानों को भी खड़ा कर दिया गया है। अगर मेडिकल स्टोरों के हवाले से बात करूँ तो डॉक्टर्स के सामने जो है प्राइवेट जो है मोटरसाइकिल स्टैंड कायम कर दिए गए, जिसकी वजह से यहाँ पर पैदल चलना भी लोगों का मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही बिल्कुल ईदगाह, मरकजी ईदगाह भी है जहाँ पर जनाजे भी यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं, लेकिन रश की वजह से लोगों को घंटों यहाँ पर इंतजार करना पड़ता है। सदर बार एसोसिएशन जामपुर का मुतालबा है, उनका यह कहना है कि इंतजामिया को चाहिए कि वो इस हवाले से फौरी तौर पर एक्शन ले और तजावजात के खात्मा करे, ताकि लोग जो है मुश्किल उनके लोगों। जावेद इकबाल बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। सरकारी जगहों और बिल्डिंग्स पर कब्जा जात का मामला कमिश्नर बहावलपुर एहतिशाम अनवर ने नोटिस ले लिया। सरकारी बिल्डिंग्स नाजायज काबिजीन से वागुजार कराने के अहकाम जारी। कमिश्नर ने रेवेन्यू अमला को मुतहरिक होने के अहकाम दे दिए। आपको अपडेट करें, सरकारी जगहों और बिल्डिंग्स पर कब्जा जात का मामला कमिश्नर बहावलपुर एहतिशाम अनवर ने नोटिस ले लिया। सरकारी बिल्डिंग्स नाजायज काबिजीन से वागुजार कराने के अहकाम जारी। कमिश्नर ने रेवेन्यू अमला को मुतहरिक होने के अहकाम दे दिए। आपको बताएं आईजी पंजाब उस्मान अनवर पुलिस फोर्स की फलाह व बहबूद के लिए सरगर्म अमल। 23 अहलकारों को तिब्बी खराजात के लिए 61 लाख से जायद की रकम जारी। पुलिस वेलफेयर मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से रकम जारी की गई। पहले इजलास में 19 अहलकारों को 51,94,000 रुपए देने की मंजूरी दे दी गई। दूसरे इजलास में 4 अहलकारों को 9,48,000 देने की मंजूरी दी गई। खानेवाल के हेड कांस्टेबल मोहम्मद इसहाक को बेटी के कैंसर के इलाज के लिए 15 लाख रुपए दिए हैं। आपको अपडेट करते चलें कि अखराजात के लिए 61 लाख से जायद की रकम जारी है। पुलिस वेलफेयर मैनेजमेंट कमेटी की जानिब से रकम जारी की गई है। पहले इजलास में 19 अहलकारों को 51,94,000 रुपए देने की मंजूरी दी गई। दूसरे इजलास में 4 अहलकारों को 9,48,000 देने की मंजूरी दी गई। खानेवाल के हेड कांस्टेबल मोहम्मद इसहाक को बेटी के कैंसर के इलाज के लिए 15 लाख रुपए दिए गए।
आपको बताएं कि हिरोड़ पका जामिया अरेबिया हाफिजुल कुरान में तीन रोजा जहाज तरबियती प्रोग्राम प्रोग्राम की सदारत मुफ्ती मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान ने की। नशस्त में हिजाज इकरम की कसी तादाद ने शिरकत की। इस हवाले से मजीद बात कर रहे हैं आशिक हुसैन कुरैशी से। जी बिल्कुल, जामिया अरेबिया हाफिजुल कुरान में तीन रोजा हज और उमरा की तरबियत के हवाले से यहाँ पर नशस्त का जो है वो हर साल इनकार किया जाता है। इस मरतबा भी यहाँ पर इनकार किया गया है, जहाँ पर शहरों की बड़ी तादाद जो है वो मनासे के हज के हवाले से जो है यहाँ पर तरबियत हासिल कर रही है। इस वक्त हमारे साथ मदरसा जामिया अरबी हिफ्ज़ुल कुरान के मोतमिन मौलाना मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी मौलाना, बताइएगा यहाँ पर हर साल तरबियती जो है वो कोर्स करवाया जाता है, तो क्या इस तरबियती कोर्स में यहाँ पर इनको गई दी जाती है? जी बिल्कुल, तीन रोज़ा हज ट्रेनिंग होती है, जिसकी पहली नशिस्त जुमे के बाद शुरू होती है और दूसरी नशिस्त हफ्ते वाले दिन सुबह 9 बजे से जो है वो 1 बजे तक हुई, फिर खाने का वक्फा हुआ और अब जोहर के बाद तीसरी नशिस्त अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है और कल तीसरा दिन जो है उसमें प्रैक्टिकली तौर पर इनको तमाम जो अरकान हैं और जो मनासिक के हज और उम्रा हैं उनका प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। क्योंकि हम लाखों रुपए खर्च करके जाते हैं, अगर कोई एक रुकन भी हमसे सही अदा ना हुआ या कोई गलती रह गई तो इस बात का ख़तरा है कि हमारी रकम भी ज़ाय हो जाए और हमारा हज भी ज़ाय हो जाए। जी जैसा कि मोतमिन मौलाना मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान का कहना है कि जो आज़मीन हज हैं वो अपना जो है वो घर बार छोड़ के कच्चा करके जो उम्र की अदायगी हज की अदायगी के लिए जाते हैं, तो उनके लिए जो है यहाँ पर ट्रेनिंग का सिलसिला किया हुआ है ताकि वो सही तरीके से मनासिक हज जो है वो अदा कर सकें। बहुत शुक्रिया आशिक हुसैन कुरैशी आपका अपडेट करने के लिए।